सिक्किम के एसटीएनएम अस्पताल में एक सनकी के हमले में घायल हुए चिकित्सक को बेहतर इलाज के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से सिलीगुड़ी एयरलिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा खुद मामले की जानकारी लेने के बाद चिकित्सक संजय उप्रेती को सिलीगुड़ी के न्यूसिया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया है। आपको बता दें कि चिकित्सक संजय उप्रेती और सफाई कर्मचारी कलावती क्षेत्री वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इस बीच मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर चिकित्सकों की सुरक्षा पर चर्चा की। और वहीं दूसरी ओर ताता गचेंग का रहने वाला गिरफ्तार आरोपी शेरिंग भुटिया ने बताया है कि वो अपनी महिला साथी से मिलने के लिए एसटीएनएम अस्पताल गया था। वो कई दिनों से आरोपी के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। इस बीच उसने अस्पताल पहुंचकर अपने महिला साथी को अपने साथ ले जाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद तैश में आकर उसने महिला साथी पर हमला कर दिया। इस बीच वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर संजय उप्रेती बीच बचाव के लिए आए, मगर सनकी ने डॉक्टर को भी चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। माथि फोन स्विच अफ हिजोदेखि बोल्नु कुनै के गरेर स्विच अफ राखेँ होइन। मलाई आज आउँछ भनेको थिएँ, माथि पर्खिरहेको थिएँ म काममै नगइकन। अनि यहाँनिर तपाईँ एक्लै आयो कि अरू साथी पनि आएको थियो हिर्काउनु? एक्लै म हिर्काउन आएको होइन, खासमा एक्लै आएको लिन आएको। उसले छोरी चाहिँ कहाँबाट भेटाउनु भयो कि बोकेर ल्याउनु भएको थियो? छोरी चाहिँ छोरी त मैले बोकिरहेको थिएँ घरदेखि। अन्त किन बोक्नुहुन्छ छोरी चाहिँ तपाईँले? खासमा म माथि त्यो अफिसमा भेनालाई हिर्काउँ भनेको थिएँ। खासमा भेनासँग भेनाकोमा अफिसमा पैसा खाइसक्यो होइन, हो त्यो जाउँ भनेर बोक्यो। मतलब तपाईँले भेनालाई पनि मार्न जानु आँटेको? होइन, त्यस्तो हिर्काउनु जानु आँटेको भन्नुहुँदैछ नि तपाईँले। तपाईँ त अलरेडी म्यारिज छ भनेर सुनेको थियो हामीले, अन्त उसँग चाहिँ भएको मेरो एक वर्ष भएको थियो, राम्रै चल्दै थियो हिजोसम्म, राम्रो अस्तिसम्म राम्रै थियो। तर छोरी हिर्काउने अवस्था चाहिँ किन आयो? छोरी त अचानक मैले हिर्काउने पनि थिएन, जुङ न। तपाईँलाई के रुमभित्र गरी हिर्कायो कि बाहिर हिर्काएको? बाहिर जानु आँटेको थियो, आउनु आँटेको थियो होइन। अन्त मैले जुङ न भन्दाखेरि चाहिँ जान्दिनँ, तिमी तोसँग बोल्दैन कुनै के भन्ने होइन। अन्त कतिजनालाई तपाईँले हिर्काउनु भयो? मलाई एकै याद छैन। तपाईँलाई केही याद छैन कि तपाईँ नसालु पुरा दुखी लिएर आउनु भएको थियो, नसामा हुनुहुन्थ्यो? खान्दिनँ म। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सिक्किम इकाई ने इस घटना की निंदा करते हुए चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि यह घटना एसटीएनएम अस्पताल के चौथे मंजिले पर घटी। इस घटना को अंजाम देने के बाद खून से सना चाकू लेकर अस्पताल के आसपास घूमते समय पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।